पेश है हिंदी जबान में अपडेट। कश्मीरी मीर वाइस मौलवी फारूक ख्वाजा अब्दुल गनी लोन जैसे शहीदों के बलिदानों को कभी नहीं भूलेंगे। मीर वाइस उमर फारूक के पिता मीर वाइस मौलवी फारूक को 21 मई 1990 को श्रीनगर में उनके आवास पर भारतीय एजेंटों द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था। श्रीनगर के हवल क्षेत्र में 70 सोमवार उस समय मारे गए जब भारतीय बलों ने मीर वाइस मौलवी फारूक के जनाजे पर गोली चला दी। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को 21 मई सन 2002 को श्रीनगर के ईदगाह क्षेत्र में भारतीय एजेंटों द्वारा मार डाला गया। शहीद मीर वाइस मौलवी फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को भारतीय अधिकरण के विरुद्ध संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 21 मई को मीर वाइस मौलवी फारूक तथा ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की शहीद जयंती मनाने की अपील की है। जो भी हो, कश्मीरी अपने शहीदों के मिशन की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प है। भारत के चंगुल से मुक्ति तक कश्मीरी अपने शहीदों के मार्ग का पालन करते रहेंगे। कश्मीरी अपने शहीदों के रक्त को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे उत्तम उपाय भारत के अवैध अधिग्रहण के विरुद्ध संघर्ष है। कश्मीरियों का स्वतंत्रता संघर्ष शहीदों के रक्त से लिखा जा रहा है।